नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कृतिका वर्मा। कसौटी जिंदगी के में फाइनली अब कोमोलिका की एंट्री हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि पुरानी कोमोलिका के आगे फीकी लगी नई कोमोलिका की एंट्री। आखिर कहाँ खा गई हिना खान मात। एज यू नो, हिना खान के फैंस जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो दिन आखिर आ ही गया, क्योंकि कल के ही एपिसोड में हिना खान ने कसौटी जिंदगी के में कोमोलिका के तौर पर एंट्री ली है। 9 साल तक ये रिश्ता क्या कहलाता है में संस्कारी बहू का चोला पहनने वाली हिना को खलनायिका के तौर पर देखने के लिए हर कोई बेताब था, और जिस तरह से बिग बॉस 11 में उनकी इमेज बनी उससे साफ था कि दर्शक भी खलनायिका के तौर पर हिना को देखना चाहते हैं। खैर, कल के एपिसोड को देखने के बाद फैंस कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। किसी को हिना की एंट्री धमाकेदार लगी तो किसी को उनकी एंट्री एवरेज लगी। रिपोर्ट की माने तो हर किसी को नई कोमोलिका के एंट्री सीन से काफी उम्मीदें थी। पुरानी वाली कोमोलिका यानी कि उर्वशी ढोलकिया ने जिस तरह से किरदार को निभाया था उसके बाद इस किरदार को दोबारा निभाने के लिए काफी हिम्मत चाहिए, और इसके लिए हिना ने भी काफी मेहनत की है। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट की माने तो उर्वशी के आगे हिना फीकी नजर आई। जी हाँ, दरअसल बात की जाए पुरानी कोमोलिका यानी कि उर्वशी की, तो उन्होंने जिस तरह से कोमोलिका बनकर कसौटी में एंट्री मारी थी उसे शायद ही आप अपने जहन से निकाल पाए। बासु परिवार की एक शानदार पार्टी में जब नीली रंग की साड़ी और बालों में गजरा लगाए उर्वशी यानी कि पुरानी कोमोलिका ने एंट्री ली थी तो लोग उसे देख कर घायल हो गए थे। वही नई कोमोलिका की एंट्री के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो बात सबको खली वो थी थोड़ी सी जल्दबाजी। वही नई कोमोलिका की एंट्री को देखकर ये एहसास हुआ जैसे डायरेक्टर ने जल्दबाजी में शॉट लिया हो। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दर्शकों को पुरानी कोमोलिका के आगे नई कोमोलिका जरा फीकी नजर आई। लोगों की माने तो उनका कहना है कि जब भी वो कोमोलिका के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखों के सामने सिर्फ उर्वशी का ही चेहरा नजर आता है। इससे तो यही साफ होता है कि लगता है हिना खान की मेहनत यहाँ पर कुछ काम नहीं आई, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो हिना को अभी भी नई कोमोलिका के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि अभी भी पुरानी कोमोलिका यानी कि उर्वशी ही उनके सामने कोमोलिका बनकर छा जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।